खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। देश भर में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेन और बस की खास व्यवस्था की गई। कई मजदूरों के घर वापसी भी हो गई है। हैदराबाद से मजदूरों को पहली ट्रेन झारखंड लेकर पहुंच चुकी है। दूसरे बड़े शहरों में भी मजदूरों को लेकर ट्रेनें जा रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि कोरोना वायरस और भुखमरी से बचने के लिए ये प्रवासी मजदूर अपने राज्य, जिले और गांव पहुंच गए हैं, लेकिन इनकी आगे की जिंदगी जो अधर में दिख रही है, उसके लिए सरकार क्या करेगी? ये मजदूर रोजी रोटी नहीं मिलने पर ही गाँव घर छोड़कर महानगरों की तरफ गए थे। अब वापस आए इन मजदूरों की रोजी रोटी की व्यवस्था क्या होगी? यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों की सरकारों ने इन मजदूरों के लिए रोजगार योजना देने की बात की है, लेकिन अब तक ये सामने नहीं आया है कि कोरोना की वजह से खुद इन राज्यों की माली हालत खराब है तो वो इन लाखों मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे करेंगी? आखिर इन मजदूरों का भविष्य क्या है? इन्हीं सब सवालों पर आज के मुद्दे में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। श्रवण कुमार जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं बिहार के। बहुत स्वागत है श्रवण कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील भराला जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत है सुनील जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दोनों ही मेहमान जुड़े हुए हैं, सुनील भराला जी और श्रवण कुमार जी। श्रवण कुमार का रुख करती हूँ सबसे पहले। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई इस बात की कि कम से कम सारी सरकारों की तरह आप भी अपने मजदूरों के लिए यहाँ पर काफ़ी दिखाई दे रहा है कि आपने अभी बोला कि 33,000 मजदूर ऐसे हैं जिनको आपने रोजगार दिया है, लेकिन अब संकट और बड़ा है क्योंकि अभी जो दूसरे राज्यों से फंसे थे अब वो पहुँचेंगे अपने राज्य, तो आगे की क्या रणनीति है सरकार की? देखिए दीपाली जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आप के चैनल पर आपने हमें आमंत्रित किया है जी सर। और अभी जो कोरोना वायरस से जो उत्पन्न स्थिति हुई है पूरे देश में, पूरे बिहार में, आज पहला ट्रेन बिहार में आज आया है जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं आए हैं। और सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि अपने प्रदेश में वो आए हैं और उनको अपने प्रखंड में सीधा पटना से उनके प्रखंड में ले जाया जा रहा है, जहां क्वारंटाइन जहां पर सेंटर बनाया गया है वहां पर उनको रखा जाएगा और बहुत ही सावधानी से और बहुत ही बारीकी तरीके से सब लोगों को जो नियम है उसके हिसाब से लोगों को वहां पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है और जो विधियां हैं बचाव के कोरोना से वो सब उपाय उनको बताया जा रहा है। हम उनसे एक अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, बिहार के मजदूरों को से अपील करना चाहते हैं जो बाहर से आ रहे हैं और पहले से भी जो बिहार में है उनसे भी साथ साथ अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, परिवार से अगर प्यार करते हैं, अगर आपके मोहल्ले और टोलों और गांव से अगर आपको प्यार है, मोहब्बत है, आपको अगर राज्य और देश से प्रेम है, तो निश्चित रूप से जो हमारे अधिकारी जो आपको बताते हैं, जो हमारे चिकित्सक बताते हैं, उसका अच्छा सा पालन कीजिएगा, तब मैं समझूंगा कि आप अपने देश से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से आप प्रेम करते हैं, उसका अनुपालन अवश्य करना चाहिए। और जहां तक रोजगार के बारे में आपने पूछा है जी, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं आपके माध्यम से कि अभी जो हमारे क्वारंटाइन पहले जो मजदूर आए थे उनको क्वारंटाइन किया गया था और जहां जहां क्वारंटाइन थे बिहार में उनको हम वहीं पर जॉब कार्ड का निर्माण कराया। लगभग 11,000 लोगों का हमने जॉब कार्ड का निर्माण कराया और उनसे जुड़े और उनको 33,000 परिवारों को हमने वहां पर रोजगार भी दिया। हमारे बिहार में 1,64,00,000 जॉब कार्डधारी हैं, लेकिन जो सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं वो 58,00,000 ही हमारे पास जॉब मांगते हैं, साल में 100 दिन मांगते हैं, 100 में 25 दिन मांगते हैं।
तो लगता है बातचीत नहीं हो पा रही है, अब बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रामीण विकास मंत्री बिहार के श्रवण कुमार जी, जिनका ये कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जॉब दे सकें, क्योंकि अभी भी जितने इससे पहले जो प्रवासी मजदूर आए थे उनके लिए हमने काफ़ी सोचा और उन्हें रोजगार दिया है, आगे भी इस पर सरकार विचार कर रही है। सुनील भराला जी का रुख करती हूँ। सुनील जी, आपकी क्या आगे रणनीति है, क्योंकि अभी तक तो कुछ मजदूर थे जो पहुँचे, कुछ पैदल पहुँचे, जिसके लिए सरकार ने काफ़ी यहाँ पर तैयारियाँ की, लेकिन अब बड़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर अब पहुँचेंगे, ऐसे में राज्य कैसे उनकी देखभाल कर पाएगा, कैसे उनको उनके रोजी रोटी का इंतजाम कर पाएगा? हमने पूरी सुव्यवस्था की हुई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और कल भी हमने सबसे पहला अभियान देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया था। और जहां श्रमिक थे, जिन राज्यों में थे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, और उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न जनपदों में जो श्रमिक थे हमारे, हम लगातार उनको अपने घर पर, वहां से कंपनियों से उनके जितने भी रहने के रुकने के केंद्र थे वहां से लेकर के उन सभी को अपने अपने जनपदों में हमने उनके रुकने की, ठहरने की पूरी व्यवस्था, उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन की पूरी व्यवस्था, ये सारा हमने पूरी तरीके से विधिवत अपना पूरे प्रदेश में किया हुआ है। जैसे अभी कल हमारी बसें निकली, 30 बसें हमारे राजस्थान कोटा से निकली, छात्रों को लेकर हरियाणा से निकली हमारी, तो लगातार तो हमने सब जगह से ही श्रमिकों को लाने का अभियान हमारा निरंतर है। श्रमिक हमारे योद्धा हैं, उनके लिए एक जरा सी भी परेशानी हम नहीं होने देंगे, ये सरकार का संकल्प है। और साथ में हमने प्रदेश के अंदर जो 1,000 रुपए की जाने की जो व्यवस्था थी, वो पूरी व्यवस्था भी हमने ठीक से बनाई हुई थी। उसके साथ साथ में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमारे 53 लाख पंजीयन है श्रमिकों का, और जिनका नवीनीकरण हमारे प्रदेश में। सुनील जी, एक खबर आ रही है कि गुजरात से जो यूपी के मजदूर हैं वो जब निकले तो एमपी बॉर्डर के पास आते आते उन पर लाठी चार्ज किया गया है, तो क्या इस तरह का क्या व्यवहार किया जाएगा? वो बल्कि परमिशन लेकर भी आ रहे थे। नहीं, लाठी चार्ज कहाँ किया गया? एमपी बॉर्डर के पास, मध्य प्रदेश बॉर्डर पर लाठी चार्ज था जी, श्रमिकों पर जी। नहीं, अभी तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अभी आपने खबर आई है। अगर किसी भी राज्य के पुलिस के द्वारा ऐसा अगर लाठी चार्ज श्रमिकों के ऊपर किया गया है तो निश्चित रूप से उन पुलिस कर्मियों को भी दंड भुगतना पड़ेगा, अगर ये इस प्रकार की घटना हुई है कि श्रमिकों को निर्दोष को पीटा गया है कहीं भी जी। हाँ, लॉकडाउन में हमारे पास छुटपुट जो उत्तर प्रदेश की घटनाएं आई थी उसको भी हमने संज्ञान लिया है, जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर में। ऐसे में जो नोडल अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया ऐसे यहाँ से व्यवहार होगा? अभी वैसे ही सरकार लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि मजदूरों के मामले पर हर सरकार घिरी हुई है, और ऐसे में अब इस तरह का व्यवहार? नहीं, हमारे संज्ञान में ऐसा व्यवहार कोई है नहीं है कि जहां पुलिस ने लाठी चार्ज किया और निर्दोष श्रमिकों के साथ कोई किसी प्रकार की उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ हो। लेकिन आपने ये संज्ञान में लाया है जी। इसको भी हम मध्य प्रदेश में जानकारी कर देंगे, जो मध्य प्रदेश में हमारे नोडल ऑफिसर हैं उनसे वार्ता करेंगे, और उनसे वहां भी वहां के प्रमुख सचिव और अपने मिनिस्टर से वहां की बात करके हम चर्चा करेंगे इस बात की। अगर इस प्रकार की बात आई है संज्ञान में तो निश्चित रूप से उसका हम संज्ञान लेंगे।
बिल्कुल सर, संज्ञान लीजिएगा क्योंकि गोरखपुर के भी कई मजदूर हैं और भी जगह के कई मजदूर हैं जिनको चोटें तक आई हैं और इसमें देखेंगे हम आप क्या एक्शन लेते हैं। बहरहाल सर, मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से मैं श्रवण कुमार जी का रुख करती हूँ। श्रवण जी, आगे अब बात ये है कि यहाँ पर दावे बहुत कर लेती है सरकार, लेकिन एक महीने पहले से ही यहाँ पर मजदूरों को लाने की बात हो रही थी। अगर वो पहले ले आए होते तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती, इतना पैदल नहीं चलना होता। दूसरी बात, यहाँ तो सरकार पहले इस पक्ष में ही नहीं थी कि चाहे वो मजदूर हो या छात्र हो, लॉकडाउन का पालन करते हुए उन्हें लाया ही ना जाए। और ऐसे में अब आगे कैसे उन पर उनका ध्यान रख लिया जाएगा, क्योंकि कोई एक दो संख्या नहीं है, लाखों की संख्या में। देखिए, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राज्य की सरकार पूरी तरह से राज्यों की स्थिति का आकलन करती है, एक एक चीज की समीक्षा करती है, और लॉकडाउन का जो नियम है वो भारत सरकार तय करती है। और जब तक भारत सरकार अपने नियमों में शिथिल नहीं करती है, रोकूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था इस वक्त दिखाई दे रही है, जो इस वक्त स्थितियां हैं, वो यही कह रही हैं, ज्यादातर रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में स्थितियां खराब हो सकती हैं, रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में राज्य सरकार क्या इतनी सक्षम है, क्योंकि पूरा केंद्र की बात करें वहां से ये मुद्दा पूरा उठा है रोजगार का, तो ऐसे में राज्य सरकार क्या इतनी सक्षम है कि इतने 52 लाख लगभग ऐसे हैं जो मजदूर हैं जो दूसरी जगह पर हैं। सर, तो लगता है आप ये हर किसी को जॉब प्रोवाइड करा पाएंगे? मैं आपसे बताया कि 1,64,00,000 हमारे यहाँ अभी के तारीख में जॉब कार्डधारी है जी, और 58 लाख मात्र ही हमसे अभी तक काम मांगते हैं, बाकी लोग काम नहीं मांगते हैं। तो अगर 12 लाख भी अगर 58 लाख में जोड़ दीजिए तो मैं समझता हूँ 1 करोड़ नहीं पुरता है। हम और जो जितने मजदूर आएंगे उनको हम काम देंगे, 194 रुपया के हिसाब से उनको भुगतान करेंगे। हम वहाँ पर चेक डैम बनाएंगे, हम वहाँ पर पौधे लगाएंगे, हम वहाँ तालाब की खुदाई करेंगे, बैन की खुदाई करेंगे, वहाँ पर हम पशु शेड बनाएंगे, मुर्गी पालन का शेड बनाएंगे, हम वहाँ बकरी का शेड बनाएंगे, और हम वहाँ पर जल जीवन हरियाली योजना में भी लघु सिंचाई डिपार्टमेंट से तालाब खोदे जा रहे हैं, वहाँ पर पैन खोदे जा रहे हैं, आहार खोदे जा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर रोजगार का बिहार में सृजन होगा, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी मजदूर भाई, जो भी श्रमिक भाई दूसरे राज्य से आएंगे, उनको हम काम भी देंगे, सम्मान के साथ रखेंगे भी, और कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो इसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा, और जो जो यहाँ पर उनको बताया जाएगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, चिकित्सक की तरफ से, उसका अनुपालन करना पड़ेगा, तब जाकर के इस स्थिति पर कोरोना जैसे भयानक बीमारी से, संक्रामक से हम लड़ सकते हैं और इसको हम पराजित करेंगे और बिहार और भारत जीतेगा। बिल्कुल, बिहार और भारत जीते, और इस पर आप जो उम्मीद बता रहे हैं, ऐसे में उम्मीद के सहारे ही हैं मजदूर। बहरहाल, अब यहाँ पर अगर हम बात करें सुनील जी, अब यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति होगी, क्योंकि अगर देखा जाए अभी तो एक तरफ तो सरकारी कर्मचारियों के भत्ते, महंगाई भत्ते की कटौती की जा रही है, सैलरी भी कट हो रही है, दूसरी बात यानी कि कुल मिलाकर कोशिश ये की जा रही है कहीं से कटौती करके सरकार को फायदा हो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि राजस्व की कमी साफ तौर से राज्य सरकारों में देखी जा रही है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं। ऐसे में कैसे आप रोजगार दे पाएंगे इतनी संख्या में जो प्रवासी मजदूर पहुंचेंगे उनको? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी श्रमिक के लिए हमने सबसे पहले घोषणा कर दी थी और आदेश भी जारी किया था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है और उसका एक आदेश भी जारी हो गया है, पूरे जनपदों में जितने भी हमारे मनरेगा का श्रमिक है उसको हमने सब जगह काम देने का निर्णय कर लिया, और काम भारत सरकार के द्वारा जो एक आचार संहिता बनाई गई है जी, जो लॉकडाउन के अंतर्गत जो कार्य चलेंगे, चाहे वो NHAI के काम चलेंगे, चाहे वो PWD के काम है, चाहे वो सिंचाई विभाग के काम है, उसमें जो काम है श्रमिकों को हमने एक प्रकार से सबको वहां पर एंगेज करने का प्रयत्न किया है, और जो हमारे बाहर से श्रमिक आएंगे हम उनको यहाँ काम, और जो यहाँ के भी हमारे जिनके पास मनरेगा का कार्ड है, जॉब कार्ड है, उनको हम निश्चित रूप से यहाँ कार्य
और गांव के अंदर भी जो प्रधानों के माध्यम से काम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के माध्यम से काम होते हैं, उस काम के लिए भी श्रमिकों को हमने रोजगार देने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ भी अगर उनको वहां रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम उत्तर प्रदेश के एक भी श्रमिक, एक भी जरूरतमंद परिवार को भूखा नहीं सोने देंगे। उसकी पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। उसके लिए हमने दो प्रकार की व्यवस्था करी है उत्तर प्रदेश के अंदर, कि हमने सीधा अपनी सरकारी रसोई सभी जिलों में चल रही है लगातार, और उसके साथ में अभी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार दूसरा जो निर्णय हुआ है श्रमिकों के हित में, हम सूखा भोजन भी उसको दे रहे हैं, यानी कि पूरा किट बना करके उसमें आटा भी होगा, उसमें चावल भी होगा, दाल भी होगी, उसमें चीनी होगी, चाय की पत्ती, नमक, मसाले होंगे। तो इस प्रकार से हमने इत्यादि सारी चीजों की किट बना करके सर, आपकी बात सही, आपने किट अच्छी बनाई है और व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार के पास ही आगे चल के कमी आएगी, क्योंकि जो मेरी जानकारी है उसमें ये है कि इस अप्रैल महीने में ही वार्षिक जो लक्ष्य था वो 1.2% राजस्व प्राप्त हुआ है, बल्कि ये 2020-21 के लिए यूपी में 1,66,021 करोड़ रुपए लक्ष्य निर्धारित था। कुल मिलाकर अगर राजस्व का नुकसान उत्तर प्रदेश से में ही हो रहा है और केंद्र सरकार से उतनी मदद नहीं मिल पा रही है, तो आप आगे चल के कैसे मदद कर पाएंगे? और इतनी बड़ी संख्या में अभी तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि ये कोरोना कब तक रहेगा और कब तक सरकार कैसे फिर इन लोगों की मदद कर पाएगी जो अब पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए दीपाली जी, हमारे पास अभी पर्याप्त अर्थव्यवस्था धन है हमारे पास। देखिए हमारे जो लेबर टैक्स का पैसा उत्तर प्रदेश में अभी हमारे पास लगभग 6,000 करोड़ रुपए है। हमने उस पैसे का भी मतलब एक प्रकार से जो 1,000 रुपए देने का कार्य किया उसको भी, और जहां दूसरी बात है टैक्स का पैसा भी भारत सरकार के द्वारा श्रमिकों के हित के लिए आया है। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजस्व की बात है तो राजस्व के लिए भी हमारा काम लगातार जारी है जी। तो उसके लिए भी सभी माननीय मंत्रियों को निर्देश हो चुके हैं और सभी अधिकारी उस काम पे भी लगे हैं, चाहे वो ऑनलाइन बिजली के बिल जमा कराने का हो, वो भी एक राजस्व है, और जितने भी रजिस्ट्री का खोलने का काम किया है तो रजिस्ट्री भी पूरे उत्तर प्रदेश में जारी कर दी गई है, खोल दी गई है कि लॉकडाउन में रजिस्ट्री हो जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग और उसके लॉकडाउन के मानकों को पूरा करते हुए, तो ये भी एक काम शुरू हुआ है। तो राजस्व के हम चीजें ढूंढ रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से आपको कहना चाहेंगे प्रदेश की और देश की जनता को बताना चाहेंगे कि हम किसी भी श्रमिक को कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प है, ये योगी जी सरकार है और सरकार संकल्पित है और सरकार के हमारे जो है जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के साथ हम अपने कर्तव्य का पालन पूरा करेंगे। लॉकडाउन के चलते अभी हम तीसरे चरण में आए हैं, तीसरा चरण हमारा अब 3 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, तो उसके लिए पुख्ता हमने सारी व्यवस्थाएं हैं और कोई इस प्रकार की कोई कमी किस प्रकार की दिखाई देगी उसके लिए भी हम तत्पर हैं। ठीक है, आखिरी ठीक है सुनील जी, आखिरी कमेंट मैं श्रवण जी से और ले लेती हूँ। श्रवण जी, आगे अब ये उम्मीद जताएं कि हम जो मजदूर पहुंच रहे हैं उनका उनके लिए सरकार काम तो करेगी, लेकिन कई बार यहाँ पर बातें बहुत कर दी जाती है लेकिन वो मॉनिटरिंग नहीं होती है और आखिरी में चलकर फिर ऐसी खबरें आनी शुरू हो जाती है कि वो मजदूर वहाँ परेशान, मुँह खाने के लिए वहाँ दिक्कत हो रही है, जैसे शुरुआत में हुई थी जब मजदूर पहुँचे थे खुद पैदल चलकर। देखिए आज के तारीख में हमारे 8 लाख मजदूर काम कर रहे हैं और 8,000 पंचायतों में 4 लाख से ज्यादा योजनाओं पर हमारे मजदूर काम कर रहे हैं। और यह बात सही है कि कुछ भुगतान में समस्या उत्पन्न होती थी, लेकिन भारत सरकार के मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री जी को, श्री माननीय नरेंद्र तोमर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मनरेगा का जितना बकाया था मजदूरी का वो भी भुगतान बिहार में हो गया और जितने हमारे मटेरियल के सप्लायर थे, सामान की आपूर्ति करने वाले थे, उनका भी भुगतान हो रहा है और आने वाले दिनों में मजदूरी की कोई समस्या नहीं है और उनको पैसा हम लोग देंगे, उनसे काम कराएंगे। कहीं कहीं पर दिक्कत परेशानी तो होगी लेकिन उसकी मॉनिटरिंग लगातार ग्रामीण विकास विभाग मुख्यालय से और बिहार के मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस चीज को खुद भी देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर जहां जहां से इस तरह की शिकायतें प्राप्त होगी उसका हल निकाला जाएगा और किसी भी कीमत पर हम श्रमिकों को हम भूखे नहीं रहने देंगे, उनको काम देंगे
और उनके ग्राम पंचायत में काम देंगे, दूसरी जगह उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया श्रवण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब दोनों ही चाहे बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर तो यही कहा जा रहा है कि मजदूर जो पहुंच रहे हैं उनका ध्यान रखा जाएगा, उनकी रोजगार की पूरी गारंटी फिलहाल तो सरकार ले रही है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में देखना होगा क्योंकि अभी तो मजदूर पहुंचना शुरू हुए हैं अपने अपने राज्य में, उनकी कैसे देखरेख करती है सरकार, कैसे रोजगार मुहैया कराती है, अब ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।